तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल GR पे। दोस्तों देखिए, यदि आप एक मोबाइल मैकेनिक हैं, आपके मोबाइल की शॉप है, तो भाई आज की वीडियो में आपको एक खास जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, अभी जो एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि इस तरह के ऑन ऑफ के पत्ते लगे आते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ बटन जो रहते हैं इस तरह के पत्ते में रहते हैं। वॉल्यूम वाले बटन जो रहते हैं वो भी ज़्यादातर इसी तरह के पत्ते में रहते हैं। अभी देखिए होता क्या है, हमारे पास कोई फ़ोन आता है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन है और बंद है, ठीक है। उसमें इस तरह का पत्ता लगा होता है, इस तरह का पत्ता का जो मॉडल है वो तो कोई भी हो, लेकिन होगा इस तरह का पत्ता ही और इस तरह का उसके ऊपर बटन लगा होगा ऑन ऑफ वाला, ठीक है। अभी देखिए, हमें लग रहा है कि भाई हमारा पत्ता कहीं से कटा नहीं है, हमारा पत्ता साबुत है, लेकिन हमारा बटन काम नहीं कर रहा है। तो क्या सोचेंगे, आपके फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके प्रिंटों में कोई प्रॉब्लम है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको भले ही ये पत्ता कहीं से कटा हुआ नज़र ना आए, लेकिन ये पत्ता अंदर ही अंदर इसके इंटरनल ट्रैक ख़राब हो जाते हैं, तब भी ये काम नहीं करता है। देखने में तो एकदम साफ लगता है, सही लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके ट्रैक कट जाते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। तो बहुत से भाई क्या करते हैं, यदि उनके पास कोई भी बंद फ़ोन आता है तो ये देखते हैं कि भाई पत्ता तो इसका सही है, वो पत्ते को चेक तो करेंगे नहीं, बस ऐसे ही फिजिकली पूरे पत्ते को देख कर कि भाई पत्ता सही है, फिर से उसे लगाएंगे, फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन ऑन नहीं होगा तो सोचेंगे फ़ोन के बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, उस पर वो काम करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप करना ये, यदि आपका फ़ोन कोई बंद आया है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है उसके अंदर चार्जिंग लगाएंगे, ठीक है। चार्जिंग लगाएंगे तो उसकी डिस्प्ले जलेगी, अगर डिस्प्ले जले चार्जिंग लगाने पर, फिर आप जब उसकी डिस्प्ले बंद हो जाए तो इसका जो ऑन ऑफ बटन होता है उसे दबाएं। यदि उसे दबाने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और चार्जर आप निकालेंगे फ़ोन में से, फिर से लाइट जलेगी दोबारा लगाने पर, तो समझ लेना आपका ऑन ऑफ पत्ता जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप मार्केट से हम नया पत्ता लेकर के आते हैं ना, तो नया पत्ता भी ख़राब निकल जाता है। देखने में नया लगता है लेकिन अंदर अंदर उसके ट्रैक ख़राब रहते हैं, तो वो भी ख़राब निकल जाता है। हम उसे लगा करके ऑन करने की कोशिश करते हैं तो उससे भी ऑन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी आप ये पत्ता लगाएं या फिर इस कंडीशन का आपके पास कोई फ़ोन आए इसका जो है ऑन ऑफ बटन काम ना कर रहा हो, तो आप पहले पत्ता चेक करें। तो आप इस पत्ता को किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारा पत्ता सही है या फिर ख़राब है, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करना है, आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड यानी कि बजर मोड पे लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब आप सेट कर देंगे मल्टीमीटर को, उसके बाद देखना आप ध्यान से, हमारे जो दो वायर हैं हम इन्हें आपस में टच करेंगे तो इस तरह के बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। आ रही है ना वीडियो में, अभी हम पत्ता तो चेक करेंगे किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना। देखिए इस तरह का होता है हमारा पत्ता, ठीक है। अब इसके यहाँ पर दो प्रिंट आपको मिलेंगे, ये दो प्रिंट, ठीक है, ये रहे। तो हमारी जो दो मल्टीमीटर की वायर है ना, हमें दोनों इन दोनों प्रिंटों के ऊपर रखनी है, एक इस प्रिंट के ऊपर और एक इस प्रिंट के ऊपर, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इन दोनों वायर को यहाँ पर रख के देखिए अभी कोई बीप नहीं आई है। अब जो हमारा इसका बटन है पत्ते का, हम इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, ये जो बटन है हमारा, हम इसे दबाएंगे किसी भी चीज़ से। तो देखिए आपकी चिमटी वगैरह से ये जो बटन है, इस बटन को प्रेस करना, यदि इसे प्रेस करने पे हमारे मल्टीमीटर में बीप आए तो समझ लेना हमारा बटन ओके है। ये देखिए छोड़ दिया और फिर से मैं प्रेस करूँगा, फिर से बीप आएगी, ये देखिए, ठीक है। यदि इस तरह की बीप आए ये बटन प्रेस करने पर, तो समझ लेना हमारा जो पत्ता है एकदम ओके है, और यदि ये बीप नहीं आती है तो समझ लेना हमारा पत्ता ख़राब है। और एक चीज़, यदि हम मल्टीमीटर के दोनों वायर अलग अलग इन प्रिंटों के ऊपर लगाते हैं और ऐसे ही लगाते ही बिना इस बटन को दाबे ही बीप आ जाए, तब भी हमारा पत्ता शॉर्ट है, उस कंडीशन में पत्ता चेंज करेंगे। और यदि ऐसे दोनों वायर अलग अलग प्रिंटों पर रखने पर पत्ते के, और जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे ऑन ऑफ वाले को, तभी बीप बजे मल्टीमीटर के अंदर, तो समझ लेना हमारा पत्ता सही है। दोस्तों इसी तरीके से आप ऑन ऑफ पत्ते की चेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर जैसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।